एक स्पून जितना हम मेथी के दाने फेनुग्रीक सीड्स ले लेंगे और उसको पानी में भिगो के ओवरनाइट के लिए रख देंगे। देखिए अभी मैं इसका पानी निकाल लूंगी और अभी इसका पेस्ट बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मेथी के दाने का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये बालों के लिए तो अच्छे होते ही है, पर स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी होता है जो स्किन को ग्लो करता है। अभी हम थोड़ा हल्दी डालेंगे और थोड़ा लेमन, जो हमारे स्किन डैमेज को रिपेयर करने में मदद करता है। अभी नेक्स्ट पैक है हमारा आलमंड पैक, बादाम। इसको मैं हम भिगो लेंगे 3-4 घंटे के लिए। बादाम तो सेहत के लिए अच्छी होती है, पर स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। इससे हमारे स्किन ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अभी बादाम को भीग के 4 घंटे हो गए हैं। अभी इसको और ये धनिया है, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। ये सबको हम अभी इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। इसमें मैं 1 चम्मच जितना दही भी डाल दूंगी। अभी इसको फेस पे लगा दीजिए। इसे डालेंगे थोड़ा लेमन, थोड़ा मिल्क, और एक टमाटर। टमाटर का जो अंदर का भाग रहता है ना, वो ले लेंगे टमाटर के बीच। ये सब चीजें स्किन को ग्लो करने में मदद करती है। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा अभी नया रेडी है पैक। फर्स्ट हम कॉफी ले लेंगे। एक चम्मच जितना, थोड़ा सा दही, थोड़ा लेमन जूस, मिक्स इट वेल। देखिए आवर पैक इज रेडी।